हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड उसके बेसिक पॉइंट्स। तो देखिए, सोर्स आर क्लासिफाइड एज शोन बिलो, यानी सोर्स जो आपका क्लासिफाइड है वह इस टाइप से दिया है कि सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक है इंडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा है डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम इसी तरह करंट में भी एक आइडियल करंट सोर्स एंड दूसरा होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। उसके बाद डिपेंडेंट सोर्सेज में हमारे आते हैं VC VS, इसका मतलब है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वह चार तरह के होते हैं, एक है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स जिसको शॉर्ट में VC VS लिखा गया है, उसके बाद दूसरा है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तीसरा है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड चौथा है आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेस हैं वो हमारे चार टाइप के हैं एंड जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसमें दो तरह के हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, और यह दोनों भी दो दो तरह के हैं, एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स में एक है आइडियल करंट सोर्स एंड दूसरा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम वन बाय वन एक एक का बेसिक से पूरा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा, हम पहले लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स में हम लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो बेसिकली एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका जो होगा, इसमें जो करंट का फ्लो होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी और निगेटिव टर्मिनल पर आकर मिल जाएगी। एक जैसे आपने वोल्टेज सोर्स का फिनोमिना आप जान जाओ कि इसका जो लोड करंट है, बेसिकली जो करंट होगी वह लोड वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे लोड वोल्टेज जो होगा वह किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होगा अगर लोड करंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी डिलीवर दैट्स मीन करंट डिलीवर इन एनी सोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट्स मीन करंट फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी जो करंट का फ्लो होगा वह निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में होगा जब जो एनर्जी क्या होगी डिलीवर होगी, ठीक है। जब एनर्जी क्या होगी डिलीवर होगी तो करंट का फ्लोइंग किधर से किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर एनर्जी का एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो करंट का फ्लोइंग जो होगा वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा होगा, ठीक है। अगर करंट डिलीवर सॉरी जो पावर है जो एनर्जी है वह डिलीवर हो रही है तो करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन होगा वह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एंड जब जो एनर्जी होगी वह एब्जॉर्ब होगी तो करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन होगी वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। उसके बाद फॉर द फ्लो ऑफ करंट दैट्स मीन फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन ऑलवेज क्लोज्ड पाथ इज नेसेसरी, यानी करंट को फ्लो होने के लिए या फिर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा जो गति में होगा उसको मोशन करने के लिए हमको एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है क्लोज्ड पाथ, तो देखिए क्लोज्ड पाथ इसमें करंट का फ्लो होगा। तो करंट जो है हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक, यहाँ से इसे गई ऐसे फिर आके यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यह जो मतलब बना है इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी करंट के किसी भी मान पर, यानी वोल्टेज सोर्स और लोड जो लोड वोल्टेज होगा वह हमेशा क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। लोड वोल्टेज जो होगा लोड करंट से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। देखिए कैसे होता है। जैसे एक देखिए आपके कैसे इंडिपेंडेंट है, ये जैसे आपने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है, यहाँ पे आपने एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और इसका मान है 12 वोल्ट, ठीक। जो वोल्टेज सोर्स है उसका मान है 12 वोल्ट, यहाँ पे जो होगा वह लोड वोल्टेज होगा, इस लोड वोल्टेज का मान क्या होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए आर, फिर आई, फिर वी एल, ठीक। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी उसको हम आई मान लेते हैं, आई करंट फ्लो होगी। तो जो सोर्स वोल्टेज है, जो वोल्टेज है वह 12 वोल्ट है, आइडियल केस की बात कर रहे हैं। इस केस में एक चीज़ और, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, जीरो। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। अभी प्रैक्टिकल में जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर R का मान आप एक रख रहे हो, R का मान एक रख रहे हो, तो करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ से, V बटा I से, R बराबर V अपान I। तो एक बटे 12 बराबर 12 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना होगा, लोड वोल्टेज I इंटू R, I इंटू R करेंगे तो कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। उसके बाद R का मान अगर आप 2 रख रहे हो, 2 रखने के बाद जो I का मान होगा कितना होगा, 6। क्यों 6 एम्पियर होगा, क्योंकि R बराबर, सॉरी I बराबर क्या होगा, V बटे R, तो V बटे R 6 आ जाएगा। तो उस टाइम VL क्या होगा, I इंटू R, तो गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। फिर अगर R का मान आप 3 ले रहे हो, तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगी वह 4 एम्पियर फ्लो होगी। तो फिर VL का मान कितना होगा, 4 × 3 = 12 वोल्ट। यानी कि I का मान आप जिस तरह से भी चाहे डिक्रीज करोगे, उसके हिसाब से लोड वोल्टेज जो होगा उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हो, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में अगर लोड आपका बदल रहा है तो लोड वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इतनी चीज़ें हो गई, ये मुझे लगता है समझ। तो V बराबर VS फॉर ऑल I, यानी V बराबर VS होगा चाहे I का मान आप कुछ भी कर लो, ठीक है। इस डायग्राम से आप देखो, यही चीज़ हमें समझ में आ रही कि VS जो होगा वह बराबर होगा VL, या फिर V, इस फिगर से देखेंगे तो VS जो सोर्स वोल्टेज है वह लोड वोल्टेज के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में, ठीक है। क्यों, I का मान आप कुछ भी बदल रहे हो वह हमेशा किसके बराबर आ रहा है, लोड वोल्टेज के बराबर। यानी कि सोर्स वोल्टेज जो है उतना ही वोल्टेज लोड वोल्टेज को हमेशा मिल रहा है, हम I का मान चाहे जितना घटा लें, बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्रॉपर्टीज़ की। इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स लोड वोल्टेज इज इनडिपेंडेंट ऑफ द लोड करेंट ड्रॉन, यानी कि जो बता ही दिया मैंने कि आपको जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें लोड वोल्टेज जो होगा वह इनडिपेंडेंट होगा लोड करेंट से, ठीक है। देखिए फिर नोट है, इनहेरेंटली ऑल द सोर्सेज आर नॉन लीनियर इन नेचर सिंस देयर वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इज नॉन लीनियर, दे आर बेसिकली एक्टिव एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, डीसी मीन टाइम इनवेरियंट एंड एसी मीन्स टाइम वेरिंग एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ आप याद रखो, ऑल द सोर्सेज आर नॉन लीनियर, यानी सारे सोर्सेज जो हैं वह कैसे हैं, नॉन लीनियर नेचर के हैं, सिंस देयर वोल्टेज एंड रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। अगर जो उसमें सोर्स लगा हुआ है अगर वह नॉन लीनियर नेचर का होगा, तो उसमें जब हम वोल्टेज एंड करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो वह भी कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी, वह भी कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। तो दे आर बेसिकली एक्टिव एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, तो इसका मतलब यह कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट इसमें जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज सोर्स करंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है, एंड यूनिलेटरल एलिमेंट यानी इसमें सिर्फ करंट का डायरेक्शन एक साइड से हो सकता है, यूनिलेटरल का मतलब ये होता है। डीसी मीन्स टाइम इनवेरियंट यानी टाइम के अकॉर्डिंग यह चेंज नहीं होता, टाइम इनवेरियंट मतलब टाइम के साथ यह नहीं बदलता, एंड एसी मीन्स टाइम वेयरिंग एलिमेंट यानी टाइम के साथ वह बदलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, दैट्स मीन हाई नहीं होता लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आप निकाले हो, हम निकाले हैं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाले हैं तो यहाँ पे अब देखो ऐसे निकालेंगे, जैसे आपके पास एक फिगर है, सपोज ये मान लीजिए ये फिगर हो गया आपके पास प्लस माइनस, ठीक। सेम वही वाला एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आ गया, आर एस आ गया, आर एस ए आर है आपका, उसके बाद वी एस 12 वोल्ट दिया ही था, 12 वोल्ट। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखो केवीएल लगा दो, सिंपल सा फंडा केवीएल लगा दो। केवीएल लगाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज चलो प्लस वी मान लिए, वीएल मानने हैं लोड वोल्टेज, तो यहाँ से करंट जा रही होगी, करंट आई यहाँ से जाएगी
यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव। देखो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, जैसे करंट जहाँ पे रेजिस्टेंस में इंटर करेगी वहाँ पे पहले पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और जहाँ से बाहर निकलेगी वहाँ पे निगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो करंट यहाँ से इंटर करेगी तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और जहाँ से बाहर जाएगी वहाँ पे निगेटिव टर्मिनल। तो इसमें केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाने के लिए आप पहला टर्मिनल बस ले लो, जिस टर्मिनल से आप चल रहे हो उसी टर्मिनल पे आके लास्ट में मिल जाओ। तो हम माइनस से लेते हैं, तो माइनस 12, फिर यहाँ पे प्लस आरएस इंटू आई है तो प्लस आईएस, सॉरी आई इंटू आरएस, फिर प्लस आई इंटू आर, क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है तो आई कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा, आई बराबर, या फिर ये आपने वोल्टेज मान लिया है तो वी होगा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस आई इंटू आर एस, 12 माइनस आई इंटू आर एस। देखो फिर से हम इसमें यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा खाली जगह में, ये जैसे आपने वोल्टेज ले लिया, ठीक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, फिर ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आपने मान लिया है वी एल, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस, यह जो कि एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत हाई नहीं होता, लो वैल्यू का होता है, सोर्स वोल्टेज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है और आइडियल केस में जीरो होता है, हमने बताया था। ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव, यहाँ पे ये सोर्स था, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये मान लो वी है। तो जब अब देखो, अब यहाँ से हम केवीएल लगाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो माइनस वी प्लस आई इंटू आर एस, फिर प्लस वी बराबर जीरो, तो वी एल है, इसको वी एल मान लो, तो वी एल बराबर क्या हो जाएगा, वी एल बराबर हो जाएगा बी माइनस आई इंटू आर एस, आई इंटू आर एस। तो इसका मतलब इस आर एस के कारण जो लोड वोल्टेज होगा वह हमेशा क्या होगा, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होगा, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होगा, सॉरी लोड वोल्टेज जो होगा हमेशा सोर्स वोल्टेज से कम होगा। अब देखिए लोड वोल्टेज जो होगा वह सोर्स वोल्टेज से हमेशा क्या होगा, कम होगा आइडियल केस में, सॉरी प्रैक्टिकल केस में। इसका मतलब अगर आप अब इस फिगर से आप देखो, चलो अब आगे हम चलते हैं, इस फिगर से देखो कि आइडियल केस तो ये था, प्रैक्टिकल में डाउन होते जा रहा है जो सोर्स वोल्टेज आपका दिखाया गया है, ठीक है, देखिए कैसे डाउन हो रहा है, जबकि सोर्स वोल्टेज तो आपका सेम रहना है, सोर्स वोल्टेज थोड़ी चेंज होगा, आपका जो लोड वोल्टेज है वह डाउन होते जा रहा है, जो लोड वोल्टेज है वह क्या है, डाउन होते जा रहा है। कैसे डाउन होगा, क्योंकि वी एस, सॉरी वी एल बराबर होता है वी एस माइनस आई इंटू आर एस, यानी अगर आप आर एस का मान इंक्रीज करोगे, आर एस का मान इंक्रीज करोगे तो आई का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज का मतलब कम होगा, आई का मान डिक्रीज होगा, आई का मान जब डिक्रीज होगा तो यह सोर्स वोल्टेज में से उतना कम माइनस होगा, क्योंकि यह तो लो ही होता है, यह लो होता है, उसके बाद आई का मान, अब जैसे देखो फिर से देखते हैं हम, जैसे ये फिगर आपके पास है पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिक्स होगा, जैसे ये कोमे है, ठीक, अब ये देखो फिर से हम एकदम देखते हैं, ये आर है आपका आर एल, ठीक है, ये वी एल है, ये आपका वी एस 12 वोल्ट है सपोज, ठीक है, तो उस टाइम पे आप चलो एक आर एल आई और वी एल फिर से लेके हम चलते हैं, तो आर एल बराबर आपने एक मान लिया तो आई का मान कितना होगा, आई का मान आपका होगा एक ओम है और एक दो हो जाएगा तो 2 × 12 यानी 6, तो वी एल कितना होगा 6 वोल्ट होगा, वी एल 6 वोल्ट होगा। दूसरा आर एल का मान आपने कितना ले लिया, 2 ले लिया हमने, 2 और 1 3 हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 × 12 4 आ गया, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा लोड वोल्टेज। फिर उसके बाद आर एल का मान आपने 3 ले लिया तो 3 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 3 × 9। अब देखो इस हिसाब से कि जैसे जैसे करंट का मान डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो लोड वोल्टेज है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। जैसे जैसे करंट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे लोड वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आइडियल केस में अगर आप लोड का जो रेजिस्टेंस है अगर उसको इंक्रीज करते हो तो लोड वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर अगर लोड करंट आपकी डिक्रीज हो रही है तो लोड वोल्टेज क्या होगा, ग्रेड होगा, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था इसकी प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी, इन एन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लोड वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ लोड करंट ड्रॉन,
यानी कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो लोड वोल्टेज होता है वह लोड करंट पर डिपेंड करता है, जबकि आइडियल वोल्टेज सोर्स में ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो लोड वोल्टेज है वह डिपेंड कर रहा है लोड करंट पर। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, अगर I बराबर 0 है, अरे उस्ताद कहाँ बिजी है यार, आधे घंटे